कुछ बालकों ने जाकर के समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि से कहा कि तेरे पिता का अपमान किया है उस परीक्षित ने। तो उसने क्या किया, गंगा को नहाया था, उसी के बीच में खड़ा हो गया, हाथ में जल रख लिया, कहा वो राजन सोने आया है अपने पिता के पास। कहा पिताजी आप तपस्या में लीन हो जाते हैं, तुम्हें ये नहीं पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इस प्रकार से तुम विमुक्त हो जाते हो, तुम्हें पता नहीं है हजरा बोलना राजा परीक्षण ने तुम्हारा अपमान किया है, तुम्हारे गले में बड़ा हुआ सर्प डाल दिया है।